सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स। बिग बॉस के घर में टीवी अदाकारा जैस्मिन भसीन और राहुल वैद्य लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। बिग बॉस कैप्टेंसी टास्क में जैस्मिन भसीन और राहुल वैद्य के बीच जबरदस्त घमासान देखने को मिला था। राहुल वैद्य के मुंह से अपने बारे में अपशब्द सुनने के बाद जैस्मिन भसीन ने अपना आपा खो दिया था, जिसके बाद जैस्मिन भसीन ने राहुल वैद्य के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। वहीं कैप्टेंसी टास्क में राहुल वैद्य ने जैस्मिन भसीन को इस रेस से बाहर कर दिया। बाद में जैस्मिन भसीन को बिग बॉस के घर में फूट फूट कर रोते हुए देखा गया था। बता दें कि राहुल वैद्य के इस कारनामे ने जैस्मिन भसीन के गुस्से को और भी ज़्यादा भड़का दिया था। ऐसे में गुस्से में तिलमिलाई जैस्मिन भसीन ने राहुल वैद्य के मुंह पर पानी फेंक दिया था। इतना सब होने के बाद भी राहुल वैद्य नहीं माने और उन्होंने जमकर जैस्मिन भसीन का मजाक बनाया। राहुल वैद्य ने जैस्मिन भसीन की तुलना रश्मि देसाई से कर डाली। जी हाँ, बिग बॉस 14 के बीते एपिसोड में राहुल वैद्य ने कहा है कि जैस्मिन भसीन ने रश्मि देसाई की तरह मेरे मुंह पर पानी फेंका है। बीते सीजन में रश्मि देसाई ने भी सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर चाय फेंक दी थी, जिसके बाद रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला सोशल मीडिया पर छा गए थे। राहुल वैद्य ने दावा किया है कि जैस्मिन भसीन टीवी अदाकारा रश्मि देसाई के नक्शे कदम पर चल रही हैं। इतना ही नहीं, राहुल वैद्य ने तो जैस्मिन भसीन को कॉपी कैट तक बता दिया है। बता दें कि वैसे इस झगड़े के बाद पूरा घर राहुल वैद्य के खिलाफ खड़ा हो गया है। हर किसी को राहुल वैद्य की ही गलती नजर आई। घर वालों का मानना है कि राहुल वैद्य को एक लड़की से बात करते समय उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। घर वालों की बेरुखी देखकर राहुल वैद्य भी काफ़ी इमोशनल हो गए। बीते एपिसोड में राहुल वैद्य निक्की तंबोली के सामने रोते हुए नजर आए थे। खैर दोस्तों, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल इंटरन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।